नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं हिसार के कोर्ट परिसर में। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हुनर बूथ एक लगाया गया है। आज ही इसकी शुरुआत की गई है और इंतज़ार हो रहा है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इसका उद्घाटन करने के लिए। ये क्या है हुनर बूथ, आइए हम आपको पहले यहाँ पर दिखा देते हैं। आप तरह तरह का सामान यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप मास्क देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सैनिटरी पैड देखेंगे, उसके बाद कुछ खिलौने बनाए गए हैं, उसके अलावा डेकोरेशन का सामान है और साइड में पीपीई किट तक यहाँ पे बनाया गया है। ये सभी का सभी सामान यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाया गया है। अगर मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँ कि और क्या क्या सामान इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र इन्होंने खुद बनाया है यहाँ पर। उसके अलावा साइड में देखेंगे तो जो स्क्रबर रहता है बर्तन धोने का, वो इन्होंने खुद बनाया है। अलग अलग टाइप के बिस्किट मसाले ये सारे के सारे बनाए गए हैं। यहाँ पर डिटर्जेंट है, उसके अलावा अचार है। तो आइए कुछ महिलाओं से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो लोग इसको बनाते हैं और इसमें उनकी कौन कौन सहायता करते हैं। संभाल के पीछे से आ जाइए। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो क्या क्या सामान बनाते हैं। मैडम, आप अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप क्या क्या सामान यहाँ पे बना सकते हैं? हमें क्या क्या सामान नाश्ता है यहाँ पर आपने रखा हुआ है, यही सब आप महिलाओं ने ही बनाया है? सारे महिलाओं ने ही बनाया है। हमें सारी महिलाएं ये मनारनी अथवा बंदरवाड़, ये मनका की माला और रोटी रखने के लिए ये थर्मोस और ये टेडी बियर और मास्क और जो ये बर्तन साफ करने के हैं जूना और ये पीपीआई किट सभी महिलाओं ने ही तैयार किया है। कहाँ पे बनाते हैं आप लोग? ये अपने अपने घर पर बनाओ है। ये तो वो लेकर उस चीज़ की समूह की महिलाएं सभी और ट्रेनिंग देती है सरकार हमको और सभी लेडीज समूह मिलकर अपना अपना काम घर पर ही बनाती है। और बैंक से लोन मिलता है? बैंक से लोन ले लेते बैंक से लोन मिलता है और घर पे ही आप अपना कारोबार शुरू करते हैं। छोटे छोटे कारोबार शुरू करते हैं हम। तो इसमें अगर मैं जानना चाहूँ कि जो अपना सैनिटाइजर है वो बनाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, किस तरीके से बनाया जाता है? वो हमने सुख दर्शन फार्मेसी है उसके साथ मिलके बनाया, हमने वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली थी, वहीं पे उन्होंने बनवाया था, उनकी मशीनें वगैरह वहीं पे, वहीं से बना कर हम यहाँ ला के बेचते हैं। वो हम घर पे नहीं बनाते, घर पे नहीं नहीं। सैनिटरी पैड भी ऐसे ही फैक्ट्री में बन के आता है? वहाँ वहाँ वहीं जाके हम बनाते हैं क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी मशीन है। अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम 10-10 लाख की मशीन लेके आए, वो हम वहाँ फैक्ट्री में जाके बना के आते हैं। कितनी महिलाएं हैं जो ट्रेनिंग लेती है और इस तरह से कारोबार शुरू कर लेती है? आपकी नॉलेज में कि स्वयं सहायता समूह जो है महिलाओं का, इसमें कितनी महिलाएं हैं टोटल? स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तो कम से कम हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में 1200-1250 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें प्रत्येक समूह में 10-15 महिलाएं होती हैं। तो उनमें से हर एक गांव में कोई ना कोई ग्रुप तो काम जरूर कर रहा है। हर एक गांव में कोई ना कोई कर रहा है? हाँ, कोई ना कोई अपना काम जरूर कर रहा है। जिस तरह हमारे कोतकला में बर्तन साफ करने का जूना बनाया जा रहा है, नारनंद ब्लॉक में, मिर्जपुर में हमने चप्पल बनाने की मशीनें लगा रखी हैं, वो मशीन लगा के हम चप्पल बनाते हैं, हवाई चप्पल बनाते हैं। और इसमें खेड़ी जालम में मसाला बनाने की मशीन लगा रखी है। और जैसे लोन की अगर बात करें तो बैंक से एक बार में एक महिला को कितना लोन मिल सकता है? एक महिला को लोन नहीं मिलता, पूरे समूह को मिलता है। तो कितना मिलता है? जो हमारी फर्स्ट डोज होती है वो पहले 50 थी, अब 1 लाख कर दी। एक लाख तक का लोन, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख तक ले सकते हैं। हम धीरे 10 लाख तक तो हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ग्राम संगठन में तो 5-5 लाख हमारे एकदम आ जाए। जैसे जैसे आपके जो समूह का कारोबार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोन की आपको बच जाता है। और कितना बचत भी करते हैं हम, बचत से भी छोटे मोटे जिस तरह हमारी जरूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं। कोई किसी बहन को 5,000 की 10,000 की जरूरत होती है तो वो मैं अपनी जो बचत करते हैं हम 100-100 रुपये, उससे उनकी जरूरत है। हर महीने 100-100 बचत करा। हाँ, 10 लोग लेडीज हैं एक ग्रुप में, तो उनको 100-100 करके आज एक लेडीज का 6,000 रुपये हो गए, तो 10 लेडीजों का 60,000 रुपये हो गए। और 10,000 रुपये हमें स्टार्टिंग में रिवॉल्विंग फंड मिला था ADC ऑफिस हिसार से,
वो भी हमारे पास है। जब तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएंगे तब तक वो हमारे पास ही रहेगा। 10,000 में सहायता के तौर पे दिया था ADC ऑफिस हिसार से। अगर मैं इंडिविजुअल इनकम की बात करूँ, एक पर्टिकुलर एक महिला की इनकम महीने की अंदाजा कितनी हो जाती है? ये पूरा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब महिला काम सीख लेती है उसके बाद वो अपना कारोबार शुरू कर देती है किसी भी चीज़ का, तो अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो एक महिला की एक महीने में अंदाज़ा कितनी कमाई हो सकती है? कम से कम 5,000 से 7,000 रुपये हो जाती है। 5,000 से 7,000 हो जाती है और उसके बाद कारोबार वो बढ़ जाता है। हाँ हाँ, घर बैठे कारोबार। अगर अभी तो हर एक उसमें स्टार्टिंग हुई है कारोबार करने की, अब तक तो हम सीख रहे थे, अब स्टार्टिंग हुई है तो अब हमारा 5,000 से 7,000 रुपये मंथली इनकम हो जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, हर गांव में आपको इस तरह के ग्रुप मिलेंगे जो कि जिनको सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग NGOs में, और उसके बाद ये खुद इतने काबिल हो जाते हैं कि बैंक से लोन लेकर के आगे अपना काम चला सके। मैडम, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आप यहाँ पे बना रहे हैं, चाय है और जो खाने का सामान है, क्या ये भी उसी का हिस्सा है या फिर? उसी का हिस्सा है। हाँ जी, आपको क्या क्या काम आता है इसमें? महिला स्वयं सहायता समूह ने आपने जो ट्रेनिंग ली है उसमें क्या क्या सामान आप बना सकती हैं? मेरा नाम सुमित्रा है, मैं गांव मंगाली की रहने वाली हूँ और हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया था। इसे हरियाणा ग्रामीण आजीविका की तहत से हमने 10 बहनों ने ग्रुप बनाया था। इस 15 ग्रुपों को जोड़कर हमने एक ग्राम संगठन बनाया है और उसको 10 ग्राम संगठनों को जोड़कर एक क्लस्टर संकल्प बनाया यहाँ पे। तो अलग स्टेज पर ऐसे संगठन बनाते जाते हैं। इस स्टेज पर आ लिए हम, पहले तो स्वयं सहायता समूह था हमारा 10 ही महिलाओं का, फिर हमारे 150 महिलाओं का हो गया, अभी हमारे कम से कम 1500 महिलाओं का यहाँ संगठन बन गया। तो इसमें मैं ये DC की हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह से ये हुनरबूत मिला है, तो इस पर हमें भी हाथ का हुनर, हाथ का काम किया हुआ व्यवसाय है, रबड़ी है, दही है, लस्सी है, इसके लिए हमें यहाँ पर आप बेच सकते हैं अपना। हाँ, बेच सकते हैं। अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि सरकार के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ऐसा काम शुरू किया गया है? हमारे गांव में संजीव सर नाम से यहाँ ऑडिटर सर आए थे हमारे गांव के अंदर, तो उन्होंने घर घर जाके महिलाओं को इकट्ठा किया और आप भाई 10 महिला मिलकर अपना समूह बनाओ। तो हमने 10 महिलाओं को इकट्ठा किया और उनके बारे में समझा, उन्होंने बताया भी गरीबी से ऊपर उठने का रास्ता है अपना। तो हमने भी पहले तो हमारे दिमाग में नहीं आई भाई ये क्या है, वैसे दिमाग खराब होने वाली बात है। फिर हमने थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में करके 10 महिलाएं इकट्ठी हुई, हमने ये समूह बनाया। हम 30-30 रुपये से स्टार्टिंग हुई, 30 रुपये हफ्ते की मैंने बचत करने लगी थी, तो महीने की 120 रुपये बचत करने, इससे हमारी बचत 6 महीने हो गए। हमने बचत करते हुए अपश्रीम लेन देन करना सीखा, एक दूसरे को 500 की जरूरत, 500,000 की, ऐसे अपनी जरूरतों को आपस में एक दूसरे को पैसे की जरूरत है तो वो भी मदद हो जाती है। मदद करी जी। फिर उसके बाद में हमने बैंक से लोन मिला, 1,00,000 का लोन मिला था, वो हमने 10 महीनों में वापिस कर दिया। तो 1,00,000 के लोन से 2 महिलाओं ने अपना काम शुरू किया, जैसे एक ने तो दुकान बना ली चूड़ियों की और एक अपनी भैंस ले आई। तो हमने 1,00,000 में ऐसे बंटवारा नहीं किया, एक दूसरे की हेल्प की। उसके बाद हमें भाई फिर वो 1,00,000 का लोन वापस करने के बाद में बड़ा लोन मिला 3,00,000 रुपये का। 3,00,000 रुपये के लेने से इस तरह भी किसी ने कोई भैंस ले आई, कोई अपना इस तरह, किसी ने 50,000 लिए, किसी ने 7,000 लिए, इस तरह लेकर हमने हमारा काम शुरू किया। और कितना टाइम हो गया इस चीज़ को शुरू किए हुए, कितने महीनों से आप लोग इस काम को शुरू कर चुके हैं? मैं 16 से जुड़ी हूँ। 2016 से ये काम चल रहा है? 4 साल हो गया जी मेरे को जुड़ी हुई। और एक दिन में कितने घंटे तक आपको काम करना होता है इसमें, आप खुद ही डिसाइड? मर्जी का काम है जी। ये हमारी मर्जी का काम है, हम चाहे 4 घंटे करा चाहे 6 घंटे करा, ये तो काम है। अभी स्टार्ट किया और पहले मैं ये मणकों का काम करा। ये मणके का काम भी मेरा ही है। मैं खुद अपने हाथ से चिराई करा करती, हाथ से चिराई करके सुई बनानी, मणियाँ हर तरह के डिजाइन ऑर्डर के हिसाब से बनाया करती। अभी इसकी डिमांड होगी कम जी। अरे अभी 6 महीनों से तो ये हमारा बिल्कुल ही बंद पड़ा है, क्यों बाहर से ऑर्डर आते नहीं है। ऐसे फिर हम ऑर्डर नहीं आएगा तो लकड़ी किस चीज़ की लाएंगे, ऑर्डर के हिसाब से काम करते। इसी का तरह हमने ये काम हमारा शुरू किया, अभी इससे ये चल पड़े। जो PPE किट बनाना आप लोगों ने शुरू किया है, ये जाहिर सी बात है कि आपने कोरोना के बाद में शुरू किया होगा, जब PPE किट की डिमांड बढ़ने लगी थी, तो उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, डिमांड कैसी है? डिमांड तो जी पहले तो बहुत अच्छी थी और अभी हमारे बीच में वो सामान भी बनवाया था, वो बीच में पहले तो मैं ऑर्डर दिया गया भाई 1,000-2,000 किटों का, कुछ हमारी खरीदी गई, कुछ हमारी पड़ी है ना अपने पास,
5000 किट का ऑर्डर दिया था, फिर उसमें हमने कुछ तो बनवाई और फिर हमारा कुछ माल बाकी पड़ा है वो लिया नहीं गया, इससे फिर हमारा काम सारा बीच में ठप हो गया था जी। ऑर्डर किसने दिया था आपको, सरकार ने के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में? आइए ना आप अगर आगे आके बात कर सके तो। हमने सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ ने हमें ऑर्डर दिया था 5000 किट का, और उन्होंने हमारी कुछ किटें तो खरीद ली गई और कुछ किटें हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई है। उन्होंने बाद में भी मान लो कपड़ा अच्छा नहीं है या मान लो जो भी है मान लो उन्होंने मना भी कर दिया, तो कारण बता के उन्होंने मना कर दिया सर। फिर बाद में ना कोई मान लो बाहर से देने लगे, कोई मान लो कंपनी से, कोई मान लो पहले लेडीजें बना, हमने शुरू से तो हमने ऑर्डर दिया था महिलाओं को और हमने महिलाओं को ही तो सिलाई की है और महिलाओं ने ये बनाई है और महिलाएं सिविल हॉस्पिटल में देके आई है और महिलाएं ही लॉकडाउन में जा जाके सामान लेके आई है, ये सारा काम महिलाओं का ही था। उसके बाद में हमने सिलाई पे महिलाओं को देके और सिलाई उनको दे दी गई और बाद में उन्होंने लेने से मना कर दिया, भाई मान लो जो भी है, फिर कंपनी से इधर उधर लेना शुरू कर दिया उन्होंने, तो हमारी किटे कुछ पड़ी है। ये हमारे गांव मंगल के अंदर हमने शुरू किया बाजरे के कुरकुरे का। मैं आपके पास फिर से आऊंगा एक मिनट इसी बारे में, ये आपको ये दिखा दूं। अभी हम नया काम शुरू किया है बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के कुरकुरे बनाने, हमारे गांव मंगल के अंदर हमने अपनी मशीन लगाई है और ये काम अभी आगे से डिमांड कर रहे हैं, अभी हमें थोड़ा सा बड़ा लोन मिल जाए तो इससे हमारा आगे काम पूरे देश में फैला सके हमारा। अभी अभी मैंने खाया है, मैं आपको बता दूं कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है, जो हम बाजार से लेके खाते हैं कुरकुरे या फिर किसी और कंपनी का, उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट है, खाने में अच्छा लगा है जी। कोई मिलावट नहीं है, हमारे हाथ से तैयार किया हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, हम सामने बना के दिखा रहे हैं, कच्चा माल है ये, हमारे कच्चा माल तैयार करके ले आए हैं और यहाँ पर हम ये तैयार करके दे रहे हैं, इसमें मसाला मिला के, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये हमारी अच्छा, इसकी ब्रांडिंग है। हाँ, ये हमारी ब्रांड है। प्लीज सर, प्लीज डॉक्टर साहब ने जो सारी चीज ये सारी प्रोडक्ट हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज है। तो बाजरा जो है, बाजरा आपको पता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब आज के डेट में बाजरे की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो बाजरे के कुरकुरे हम लोग इन महिला ग्रुप के साथ में, ये हमारी सारे डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग सब यही लोग देखते हैं, टेक्नोलॉजी हमने अच्छी उसे ले रखी है और ये चीज़ें हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। और हमें ने तरीका सिखाया है से, अब हमने ये बना दिया है रेडी टू कुक, आप अपने घर में ही कुरकुरे बना सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर कच्चा माल है, कच्चा माल है और मसाला मिक्स है सर। आपने अब ये टेस्ट करा, दो मिनट के लिए आप उसको तलना पड़ता है, तल के इसके अंदर मसाला मिक्स कीजिए, रेडी टू कुक। और इसका रेट कितना है? वो भी 40 रुपीज़ है सर, 40 रुपीज़ रेट है इसका, सिर्फ 40 रुपए में आपको मिलेगा। और कितना वेट होगा सर इसका? इसके अंदर आपको मार्केट में जो अवेलेबल है ना, 5 पैकेट 10-10 रुपए वाले, मतलब आपको 50 रुपए की जो, सो एक्चुअली 80 रुपए की चीज, 8 पैकेट बनते हैं इसके अंदर। इससे 8 पैकेट बनेंगे सर, जो आपको रेगुलर मार्केट में लेते हैं ना 10-10 रुपए वाले, वो 8 पैकेट बनेंगे। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बजाय जो मार्केट में आप लेते हैं। मैं एक बार फिर से इसकी ब्रांडिंग आपको दिखाना चाहूंगा और बता दूं कि इसका पैसा हमको नहीं मिला है सिटी बिग न्यूज़ को। जनरली मैंने इसको खाया है और अच्छा लगा है, हेल्दी चीज़ है। आप भी अगर बाजार में जाते हैं तो बाजरे से बना हुआ है आत्मनिर्भर महिला, इसके ऊपर दोनों तरफ स्टैंप लगी हुई है, सरकार का इनिशिएटिव है, महिलाएं खुद बनाती मतलब है। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है सर, इसके अंदर मकसद एक ही मकसद है सर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बाजरे के लड्डू है, बाजरे की बर्फी है, हर चीज का आइटम बाजरे के बारे, बाजरे के बिस्कुट लाना, बाजरे के बिस्किट्स हैं। आज बच्चों को क्या कमी, आज सबसे ज़्यादा कमी क्या है कि मैदा खा के, मैदे किसी चीज की चीज़ें खा के बच्चों के अंदर इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है। और दूसरी बात क्या है कि डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स सिर्फ मैदा ज़्यादा खाने की वजह से ही बढ़ रहे हैं। अगर हम अपना ट्रेडिशनल फूड खाते हैं, जैसे बाजरे के चाहे बिस्किट के रूप में खा लें, चाहे कुरकुरे के रूप में खा लें, तो हमारे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो वो अभी आपको दिखाते हैं सर, बाजरे के बिस्किट हम लोग, सर वो जैसे ही आ जाएंगे बिस्किट हम दिखाएंगे। उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा एक आम नागरिक के तौर पे, जिसको इस महिला स्वयं सहायता ग्रुप की जानकारी नहीं है, अगर किसी को अपने गांव में शुरू करना है तो पहला स्टेप क्या होगा? सपोज कि मुझे अपने गांव में शुरू करना है या अपने शहर में शुरू करना है, कुछ महिलाएं हैं जिनको रोजगार देना है, तो तरीका क्या हो जाएगा शुरुआत, एकदम जो बेसिक तरीका? शुरुआत तो क्या है कि सबसे पहले तो हमारे HSR, हमारे आप हरियाणा ग्रामीण विकास विकास ऑफिस में आके, हमारे शिवरान सर हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब, वो शिवरान सर हैं, अन्नू मैडम हैं, ये लोग इतनी मदद करते हैं। आप आएंगे ना तो आपको, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही आपको गाइड करते हैं, पहले गाइडेंस बहुत बढ़िया मिलती है आपको यहाँ से। उसके बाद जैसी आपकी
क्षमता है, जैसी आपकी स्किल्स है, उसी हिसाब से वो आपको काम सिखा बता देते हैं। अगर जैसे आपको लगता है कि मुझे बिस्किट्स बनाने हैं, बिस्किट बनाने में इंटरेस्ट है, तो आपको बिस्किट बनाने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, ट्रेनिंग के बाद उसकी मार्केटिंग, इसकी ताकि आपको कहीं पे भी परेशानी ना हो। तो ये HSRLM के जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मतलब, और हम भी इसीलिए जुड़े हैं इन लोगों के साथ में कि इन लोगों ने मतलब हमें दिखा कि इन लोगों ने इतनी महिलाओं को इतना रोजगार दिया, इतनी महिलाओं का इतना उत्थान किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर इनके। हम कोशिश करेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके डिस्क्रिप्शन में डालने की, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में। यहाँ पर ये बिस्किट भी आ गए हैं जो हाथ से बनाए गए हैं। आप पहले तो बिस्किट हम दिखा देते हैं आपको, इस तरीके के बिस्किट दिखेंगे। एनर्जी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये ब्रांडिंग है इसकी, बाजरे से ही ये भी बना हुआ है। और इसका अगर रेट की बात करें तो 60 रुपये में आपको 200 ग्राम प्लस मिल रहा है। इसको घर पे ही बनाया गया आंटी जी ये? हाँ, मशीन बना रखी है हमने, महिलाओं इकट्ठी होके हम ये हाथ से बनाते हैं। मशीन जो खरीद के लाए हैं कि घर पे आपने खुद ही तरीका तैयार किया? खरीद के लाए हैं जी। खरीद के लाए? हाँ। शुरुआत करने के लिए इसमें कितना खर्चा हुआ था बिस्किट बनाना शुरू करने के लिए? 2 मिनट में हम इनसे फिर से जुड़ेंगे। सुमित्रा जी, शुरुआत करने में मतलब कि कितना खर्चा हुआ था एकदम बेसिक में, और कितनी महिलाओं ने मिलकर ये बिस्किट बनाना या फिर कुरकुरा बनाना शुरू किया था? ये जी, हमने 10 महिलाओं ने मिलकर स्टार्ट किया था हमारा काम। अच्छा। तो इससे हमें एक बार छोटा लोन 1 लाख रुपए का लोन मिला था, उससे हमने ये काम चालू कराया था। उसमें कुछ मशीन लिया, कुछ मटेरियल आया, इससे सप्लाई करना सीखा। तो इनने, डॉक्टर साहब ने हमारी खूब मदद करी, इनने बताया भी इसमें चीज़ में विटामिन है, ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। कुछ बैंक वाले हैं, शुक्रिया जी, आपसे बोलिए ना, आप कुछ कहना चाहते हैं, खत्म कर दीजिए बात की, जगह पूरी कर दीजिए। थैंक यू जी। चलिए शुक्रिया। मैं पीछे कुछ महिलाएं हैं जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। मैडम 2 मिनट देंगे अपना। बैंक की तरफ से किस तरीके से सहायता की जाती है जिस महिला को नॉलेज नहीं है इस काम की, बैंक से कभी पाला नहीं पड़ा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई अनपढ़ महिला है तो किस तरीके से आप लोग मदद करते हैं आगे आके, उसके बारे में जरा बताएं। हाँ जी सर, पहले तो उनको ट्रेनिंग दे के इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपना कोर्स कर सके, अपना काम शुरू कर सके। उसके बाद उसका एप्लीकेशन फार्म हम खुद भर के भेजते हैं सेंटर पे, अप्लाई वहाँ बैंक में अप्लाई करते हैं, फिर वो उनको कॉल करके बताते हैं भी आपकी एप्लीकेशन आई है, वो विजिट करते हैं वहाँ पर, उनका काम देख के फिर वो उनका लोन के आगे प्रोसीड करते हैं। और कितने टाइम में लोन क्लियर हो जाता है? सर अगर आपके कागज टाइम टू टाइम है तो 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है, वरना 10-12 दिन लगते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसका सिर्फ ये बैंक में जाके हम लोन डिपार्टमेंट में मिल रहे हैं तो उसने से काम हो जाता है, स्पेशल कोई डिपार्टमेंट बनाया गया इसके? नहीं, हमारी तरफ से अगर ले रहे हैं तो हम एप्लीकेशन उनकी खुद बना के भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है ये काम ऐसे कर रहे हैं और वहाँ चल रहा है, उनके पास एप्लीकेशन जाती है, फिर वो आगे देखने के लिए जाते हैं, फिर काम पूरा करते हैं। चलिए शुक्रिया मैडम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मैं फिर से उन महिला से आपकी बात कराऊंगा जो हमें पीपी किट के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से शुरू में उनको 5,000 किट का ऑर्डर दिया गया, लेकिन बाद में ऑर्डर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन खरीदी उनसे आधी ही गई या फिर उससे भी कम खरीदी गई थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैडम उनको बुलाएंगे जो पीपी किट के बारे में बता रही थी। अच्छा, आप ही हैं क्या? माफ़ कीजिए, पहचान नहीं पा रहे। जैसे कि आपने बताया था कि 5,000 किट आप लोगों ने बनाई थी लेकिन आधी ही बिक पाई थी। हाँ। बाद में जो सरकारी हॉस्पिटल है उन्होंने कहीं और से खरीदना शुरू कर दिया गया था। हाँ। तो अभी आपके पास कितनी किट पड़ी है बनी हुई तैयार? लगभग बाकी मान लो 2-2.5 हज़ार उन्होंने ली थी, बाकी हमारे पास रखी हुई है। मोटा मोटा आधी किट उन्होंने खरीद ली, आधी रह गई। आधी, और कुछ कच्चा माल भी तो है सर हमारे पास है, हमने पूरी बनाई नहीं, तो महिलाओं को भी सिलाई भी तो देनी होती है सर, तो हमने बनाई नहीं, हमारे पास कच्चा माल है वो पेंडिंग ही है, और जो चैन है रबड़ है वो हमारे पास बना रखा हुआ है। अगर मैं पूछना चाहूँ कि इसमें मतलब आपने 5 बनाया था, 2.5 आपका बिका है, 5,000 बनाया था, 2,500 बिका है, नुकसान कितना हो गया है, और टोटल अभी कितने हजार का या कितने रुपए का माल आपके पास बना हुआ तैयार पड़ा है प्लस कच्चा माल पड़ा है? कच्चा माल तो सर चोखा ही पड़ा है, मान लो चोखा सा पड़ा है कच्चा माल तो, और कुछ किटे बिकी है, कुछ हमारे कच्चा माल पड़ा है, और कुछ हमें मान लो इधर उधर हमने दे भी दी, और कुछ मान लो भारत मिशन वालों ने भी खरीदी है 500 एक किट, उन्होंने भी तो खरीदी है, तो मैंने सिलाई देनी थी महिलाओं को इसलिए। एक किट की कीमत कितनी है? एक किट सीमो ने हमको तय कर दी थी 850 के रुपए में। इससे ऊपर आप बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, नहीं हम बेचेंगे,
बेचेंगे नहीं, नहीं बेच सकते नहीं। क्या कारण है इसका? यूं है सर, हमारा खर्चा निकल गया, कुछ हमने मान लो उनके लिए भाई उस टाइम हमारी जरूरत थी महिलाओं की, तो हमने सोचा भाई जो लागत लागत है वो ले लेंगे और फालतू का पैसा नहीं कमाएंगे। तरह से आप समाज सेवा करने का हाँ, अपना सोचा था। किट में हम फालतू का पैसा नहीं कमाएंगे सर। लेकिन जैसे कि आधी किट आपके पास पड़ी हुई है, उसका नुकसान हुआ, आपने कोशिश नहीं की सीएमओ से दोबारा मिलने की या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचने की? नहीं सर, उस कुछ तो खरीदी है भारतीय मिशन वालों ने, खरीदी है 500 किट, तो हमारा खर्चा तो लगभग पूरा हो गया। खर्चा पूरा हो गया लेकिन अभी भी बची हुई है कुछ? हाँ, मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, खर्चा हमारा पूरा हो गया है, महिलाओं को सिलाई मिल गई है और हमारा जो लागत थी ना वो हमारी पूरी। आप कौन से गांव से? अगर हमारे पास, मैं रावत खेड़ा से हूँ और इस संकल्प क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ। आपका नाम मैडम? बिंदु, बिंदु है जी मेरा। चलिए शुक्रिया मैडम, मिलकर अच्छा लगा आप लोगों से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सरकार का इनिशिएटिव है ये, यहाँ पर इनका अभी बूथ भी बन चुका है जहाँ पर वो अपना सारा का सारा सामान बेच रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी आने वाले हैं जो इसका उद्घाटन करेंगे। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी विग न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, धन्यवाद। I don't know what you want.